हेलो ब्लैक मिरर लवर्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आप लोगों को ब्लैक मिरर के एक और नए एपिसोड में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैन जुनिपेरो के बारे में। इसका आईएमडीबी रेटिंग्स के बारे में बात किया जाए तो इसको 10 में से 8.6 मिले हैं, जो कि काफी अच्छा है। इस एपिसोड में एक लेस्बियन कपल के लव स्टोरी को दिखाया गया है और इसको थोड़ा हैप्पी एपिसोड की तरह भी लिया गया है, क्योंकि ज्यादातर ब्लैक मिरर के एपिसोड्स डार्क टोन के होते हैं। कहानी के दो मेन किरदार है योर्की और केली। योर्की थोड़ा शर्मीली लड़की है, लेकिन केली मॉडर्न और पार्टी एनिमल है और मस्त मगन रहती है। उन दोनों में प्यार हो जाता है, वो भी एक आर्टिफिशियल सिमुलेटेड जगह पे, जिसके बारे में हम लोग आगे वीडियो में विस्तार में बात करेंगे। अब उन दोनों का प्यार कितना सक्सेसफुल होता है, क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस आते हैं इमोशनली और फिजिकली उन लोगों के बीच, वो भी देख लेते हैं। सैन जुनिपेरो एक पार्टी टाउन है और लोग बहुत ही खुश हैं यहाँ पे। यहाँ पे एक बार है जिसका नाम टकर्स है और अभी साल है 1987, जिसका प्रूफ है मूवी द लॉस्ट बॉयज का पोस्टर, जो कि 1987 में रिलीज हुआ था। बैकग्राउंड सॉन्ग्स भी 1980s के ही बज रहे हैं, जैसे कि से ला बी बाई रॉबी नेबिल, टेक बाई अलेक्जेंडर ओ नील, गर्लफ्रेंड इन कोमा बाई स्मिथ्स और बहुत सारे। लोग आर्केड गेम्स खेल रहे हैं, जैसे कि टॉप स्पीड, जो कि 1987 में रिलीज हुआ था, और 1980s आर्केड गेम्स का गोल्डन एज था। लड़के लड़कियों को डेट के लिए लाइन मार रहे हैं और केली वेस नाम के लड़के से पीछा छुड़ा रही थी। उन दोनों ने बीते हफ्ते साथ बिताए थे तो वेस अभी भी वही एक्सपेक्ट कर रहा था। इसी चक्कर में केली और योर्की मिलते हैं, दोनों डांस करते हैं और उन लोगों के बीच में सेक्सुअल टेंशन भी बढ़ रहा है। लोग देख रहे थे तो योर्की थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है और वहां से निकल जाती है। केली उसको सेक्स ऑफर करती है और योर्की भी वही चाहती थी, लेकिन वो ग्रेग से इंगेज है बोल के ना चाहते हुए भी वहां से निकलती है। एक हफ्ते के बाद योर्की नया नया ड्रेसअप कर रही है केली को इम्प्रेस करने के लिए, पर पुराने वाले में ही सेटल हो जाती है। ये फिर से केली से मिलती है जहाँ वो किसी और के साथ फ्लर्ट कर रही है। अभी इन दोनों के बीच में सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है और ये दोनों केली के घर जाते हैं। योर्की बोलती है ये उसका पहला सेक्स है और केली बोलती है वो बाइसेक्सुअल है एंड वो पहले शादीशुदा थी। जैसे ही 12 बजने वाले होते हैं, केली टाइम्स नियरली अब बोलती है और एग्जैक्टली 12 बजे ये सीन एकदम से एंड हो जाता है। अब एक्चुअली में यहाँ पे क्या हो रहा था, ये सब लोग एक अल्टरनेट रियलिटी में थे और जब चाहे तब किसी भी एरा में टाइम ट्रैवल कर सकते थे। अब ये सब कैसे हो रहा था वो आगे डिटेल्स में जानेंगे। योर्की केली को ढूंढते हुए टकर्स में जाती है और अभी भी ये 1980s में ही है और उसी टाइम के गाने बज रहे हैं बार में, जैसे कि हार्ट एंड सॉल बाई टी पॉ, लीन ऑन मी बाई क्लब नोबियन, एंड लोग आर्केड गेम ही खेल रहे हैं। बारटेंडर केली को ढूंढने के लिए क्वैगमायर ट्राई करने के लिए बोलता है। अब क्वैगमायर एक सेक्स क्लब है जहाँ पे योर्की वैसे मिलती है। ये वही लड़का है जो केली का पीछा कर रहा था। वैस बोलता है उसने भी केली को नहीं देखा है और वो किसी भी टाइम एरा में हो सकती है, जैसे कि 80s, 90s और 2000s। अब योर्की टाइम ट्रैवल जैसे करके 1980s से 1990s में जाती है केली को ढूंढने के लिए। यहाँ पे हर चीज 90s का ही है, जैसे कि टीवी में 1996 का आयरनिक सॉन्ग, किसी चीज का 1996 मॉडल का एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। पोस्टर में स्क्रीम मूवी लगा हुआ है जो कि 1996 में रिलीज हुआ था। यहाँ पे भी केली नहीं है तो योर्की परेशान है। एक हफ्ते के बाद वो अभी 2000 में जाती है। यहाँ पे हम लोग द बोन आइडेंटिटी का पोस्टर भी देख सकते हैं जो कि 2002 में रिलीज हुआ था। अगर आपने नोटिस किया हो तो जो टकर्स बार है वो भी एवॉल्व होते हुए आया है। 1980s में इसका पुराना डिजाइन था, 1990s में थोड़ा अच्छा और अभी तो शानदार ही है। तो ये भी इसका प्रूफ है कि योर्की टाइम ट्रैवल कर रही है। यहाँ पे लोग गेम भी एडवांस खेल रहे हैं और फाइनली योर्की को केली मिली जाती है। केली योर्की को इग्नोर करती है और उन दोनों के बीच थोड़ा झगड़ा भी हो जाता है, जिसके वजह से वो हॉट होती है और वहां से चली जाती है। केली बोलती है वो यहाँ पे जस्ट मजे के लिए आई है, ना कि किसी के साथ लॉन्ग टर्म पर्सनल अटैचमेंट रखने। लेकिन वो दोनों साथ में हो ही जाते हैं और सेक्स करते हैं। वर्चुअल रियलिटी का पूरा कंफर्मेशन तो तब मिलता है जब केली बोलती है वो योर्की से रियल लाइफ में मिलना चाहती है। रियल लाइफ में केली नेवाडा में रहती है और योर्की सेंटा रोजा कैलिफोर्निया में।
यॉर्की नहीं चाहती है कि केली उससे रियल लाइफ में मिले, लेकिन केली रियल लाइफ में उससे मिलने का जिद कर रही है। जैसे ही 12 बजता है, ये सीन भी एकदम से खत्म हो जाता है। रियल में सिस्टम ये था कि जो मरे हुए लोग है वो अपने चेतना या कॉन्शियसनेस जो भी कहें वो एक आर्टिफिशियल वर्चुअल रियलिटी में अपलोड कर सकते हैं और मरने के बाद भी सैन जूनिपेरो में अपने जवानी का लाइफ जी सकते हैं हमेशा के लिए, और इसी को बोलते हैं पासिंग ओवर। मरे हुए लोग हमेशा के लिए रह सकते हैं, बल्कि बूढ़े लोग ट्रायल पीरियड हफ्ते में 5 घंटे के लिए आ सकते हैं, जो कि ठीक 12 बजे खत्म होता है। केली और यॉर्की दोनों ही ट्रायल पीरियड में थे, इसलिए उन लोगों का हर सीन 12 बजे ही खत्म हो रहा था। इसलिए यॉर्की केली को सिर्फ हफ्ते के बाद ढूंढ रही थी। असल में केली एक बूढ़ी महिला है और सीएना ट्रस्ट नाम के ओल्ड एज होम में रह रही है, और ये सैन जूनिपेरो में ट्रायल पीरियड में जा रही थी। केली यॉर्की को मिलने जाती है और पता लगता है यॉर्की एक अपांग महिला है। उसको ऐसे हुए 40 साल हो चुके हैं सैन जूनिपेरो में। जो उसने केली को बताई थी, ग्रेग उसका फियांसे है, वो उसका फियांसे नहीं बल्कि नर्स है। जब यॉर्की के पेरेंट्स को पता चला कि उन लोगों की बेटी गे है और वो लोग ज्यादा ही रिलीजियस थे, तो उन लोगों ने ये सब एक्सेप्ट नहीं किया। केली जब घर छोड़ के जा रही थी, वो 21 साल की थी। उसके कार का एक्सीडेंट हो गया था और वो क्वाड्रिप्लेजिक मतलब कि अपांग हो गई, जिसमें उसका दोनों हाथ पैर काम नहीं करेगा। तभी जब वो आर्केड रेस गेम खेल रही थी जहाँ पे कार एक्सीडेंट हुआ था, वो थोड़ा डर गई थी। इसलिए यॉर्की के लिए सैन जूनिपेरो वाला सिस्टम और किसी से प्यार बहुत ही बड़ी बात है। अभी वो कॉम बॉक्स के थ्रू बात करती है और ट्रायल पीरियड के लिए हर वीक 5 घंटे के लिए सैन जूनिपेरो जा रही है, जहाँ पे उसको केली मिली। अब यॉर्की परमानेंटली सैन जूनिपेरो में रहना चाहती है, पर वो मरी हुई नहीं है तो वो परमानेंटली नहीं जा सकती। अगर कोई पेशेंट बहुत ही ज्यादा पीड़ा में है और ऐसे रोग से जूझ रहा है या पैरालाइज्ड है जिससे रिकवर करना नामुमकिन है, तो उसको इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, और इसको बोलते हैं यूथेनेजिया। आप लोग इसको इंटरनेट में भी देख सकते हो। अगर ऐसा हो पाता तो यॉर्की परमानेंटली सैन जूनिपेरो जा सकती थी, पर उसके पेरेंट्स कट्टर धार्मिक थे तो वो लोग ये सब के लिए भी डिनाई कर रहे थे, और ये सब के लिए किसी का अप्रूवल चाहिए होता है। ग्रेग जो उसका नर्स है, वो यॉर्की को उस पीड़ा से मुक्त करना चाहता था, इसलिए वो जस्ट शादी कर रहा था यॉर्की से, ताकि यॉर्की के पेरेंट्स का पावर को ओवरराइड कर सके और यूथेनेजिया के पेपर में साइन कर सके। केली चाहती थी यॉर्की जिससे प्यार करती है उसी से शादी करे, इसलिए 5 मिनट के लिए सैन जूनिपेरो में जाती है। बाहर केली और यॉर्की शादी कर लेते हैं और केली यॉर्की का यूथेनेजिया को ऑथोराइज कर देती है, जिसके वजह से यॉर्की अब सैन जूनिपेरो की परमानेंट मेंबर बन जाती है। केली अभी जिंदा है तो वो यॉर्की को हफ्ते में सिर्फ 5 घंटे के लिए ही मिल पाती है, और इससे यॉर्की फ्रस्ट्रेटेड है, जो चाहती है केली भी परमानेंट सैन जूनिपेरो बने। केली मना करती है वर्चुअल रियलिटी में अपलोड होना। यॉर्की केली को उसके हस्बैंड को लेके कुछ बोलती है, जिसके वजह से केली गुस्से में आती है और बोलती है वो उसके हस्बैंड से 49 साल से शादीशुदा थी और उन लोगों के एलिसन नाम की बेटी थी जो 39 साल में मर गई, जब ये सैन जूनिपेरो वाला टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं था। केली का हस्बैंड रिचर्ड जब मर रहा था, एक तो वो आफ्टर लाइफ में बिलीव ही नहीं करता, दूसरा उसकी बेटी के बिना सैन जूनिपेरो में इंजॉय नहीं कर पाएगा, इसलिए उसने सैन जूनिपेरो नहीं चुना। केली भी नहीं चाहती कि वो रिचर्ड और उसकी बेटी के बिना वो सैन जूनिपेरो में परमानेंटली अपलोड हो। और तो और केली ने उसके हस्बैंड को वादा किया होता है कि वो भी नहीं जाएगी, इसलिए वो इतना रेजिस्ट कर रही है। केली फ्रस्ट्रेट हो जाती है और वहां से कार लेके निकल जाती है एकदम टॉप इश्यू में, और कहीं जाके क्रैश होती है। यॉर्की आके हेल्प कर रही होती है और जैसे ही 12 बजते हैं केली ओल्ड एज होम में जग जाती है। यहाँ पे यॉर्की लाल कार लेके घूम रही है, जिसको देख के पहले वो डर रही थी गेम में भी। इसका मतलब ये हो सकता है कि अभी वो मस्त इंजॉय कर रही है और उसने अपने एक्सीडेंट वाले ट्रॉमा को भी ओवरकम कर लिया है। बैकग्राउंड में हेवन इज प्लेस ऑन अर्थ बज रहा है, मतलब यही हो गया कि मरने के बाद भी अपने मन चाहे जगह में लोग जा सके और इंजॉय कर सके, वो एक स्वर्ग से कम नहीं। केली का भी कंडीशन खराब होते हुए जाता है और वो भी यूथेनिजिया के लिए रेडी है। केली चाहती है उसको उसके फैमिली के साथ दफना दिया जाए और उसके कॉन्शियसनेस को सैन जूनिपेरो में अपलोड किया जाए, जहाँ पे वो यॉर्की के साथ हमेशा खुशी खुशी रह सकेगी। लास्टली रियल वर्ल्ड में रॉबर्ट
सैन जूनिपेरो को मेंटेन कर रहे हैं और अंदर लोग सैन जूनिपेरो में खुश है, जहां जितने चाहे उतने वर्चुअल सिटीज है। अब देखने में तो लगता है कि काफी हैप्पी एपिसोड है और एंडिंग भी बहुत ही हैप्पी है और हेवी। अगर इसको दूसरे नजरिया से देखा जाए तो क्या क्या इस हैप्पीनेस के अपोजिट हो सकता है। यहाँ पे कोई कोई बहुत सालों से हैं और भटके हुए हैं, जैसे कि क्वैगमायर। सेक्स क्लब में जो लोग हैं वो जस्ट कुछ फील करने के लिए वहाँ पे आए हुए हैं। अगर इधर आने के बाद अपने मनपसंद लोग ना मिले तब क्या। केली का वेस पीछा कर रहा था और योर्की को दूसरा लड़का, और वो लोग बेक कर रहे थे इंटीमेसी बढ़ाने के लिए। अगर अकेलेपन में हमेशा जीना पड़े तो कितना फ्रस्ट्रेशन होगा। केली और योर्की के बीच में झगड़ा हुआ और दोनों दूर हो गए तब क्या। तो आप ही सोचिए और कमेंट करिए, क्या सच में सैन जूनिपेरो मैनकाइंड का बनाया हुआ हेवन है और इधर अपलोड होना ही सब कुछ है। कमेंट करके जरूर बताना। तो बस यही है एपिसोड और इसका एनालिसिस। कमेंट करके अपना ऑब्जर्वेशन और कौन सा मोमेंट बेस्ट लगा जरूर बताना। वीडियो के कमियां खामियां क्या क्या है वो लिख डालिए, जिसको आगे आने वाले वीडियोस में हम लोग जरूर सुधार करेंगे। इस वीडियो का लाइक टारगेट रखने वाले हैं 700, वो भी जरूर पूरा कर देना। और आगे भी ऐसे ही वीडियोस आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को भी जरूर दबा देना। धन्यवाद।